अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। और ये जो है मेरे पास आज मटर आए हुए हैं, बहुत ही ताज़े और मज़ेदार मटर। तो इनको जो है छील रही हूँ, साथ में बड़ा गोश्त है और ये जो है दही रखी हुई है। तो मैंने सोचा धूप में बैठूं थोड़ी सी है, तो आज हल्की फुल्की धूप लगवा लूं और मटर भी छील लें। मैंने सर पे जो है ना अंडा और दही, साथ में जो है वो थोड़ा सा सरसों का तेल, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके सर पे लगा दिया है। और ऊपर से ये था कि मैंने ब्लॉग भी बनाना था, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, ये चीज़ें सर पर लगी हैं तो ब्लॉग कैसे बनाऊँ, आज का ब्लॉग मिस ना हो। तो मैंने अपने सर को जो है वो अच्छे तरीके से कवर करके, तो अब मैंने कहा मटर छील लेती हूँ और ब्लॉग भी बना लेते हैं। थोड़ी सी धूप है इसमें भी बैठ जाती हूँ, कभी धूप आ जाती है कभी निकल वो चली जाती है। तो बस यही है कि आज तो मिला जुला मौसम है गाइस। पापा जो है वो गई हुई है समोसे लेने अहमद स्वीट वालों से, तो अभी इन्होंने खाना खाया है और अब ये दोबारा से समोसे खा रही हैं। तो मैं हैरान हो चुकी हूँ, पता नहीं ये कैसे खा लेती इतना सारा कुछ। जब बंदा रोटी खा लेते हैं ना, फिर जो है ना वो किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, मेरी चाय भी बन रही है। चाय देखना, मुझे तो याद ही नहीं है मैंने चाय रखी है किचन में चूल्हे पे, और यहाँ पे आ गई हूँ मटर छीलने और मुझे याद भी अभी आ रही है, पता नहीं चाय में मुझे लगता है जल गई होगी सारी। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, चाय जो है ये भी मेरी तैयार हो चुकी है और मेरी चाय में चीनी तो नहीं डाली, थोड़ी सी डाली। हाय अल्लाह, मैंने मेरी कसम जो है ना, मैं ये जब अपनी बनाती है ना जान छुड़ाने के लिए ना, एक ही चाय बनाएगी तो मेरी पहले निकाल लेती, मैंने चीनी के बगैर पी क्योंकि इस पहले इतना वेट बढ़ गया है। ऊपर से फिर चीनी और डाल डाल के ये ना जब से आई है ना मुझे ऐसे कह देती है, कभी मैं चीनी वाली पी लेती हूँ कभी बगैर चीनी के पी लेती हूँ, तो पता क्या करें क्या ना करें। तो बस यही हाल है इनके। तो ये क्या कर रही थी, अपने लिए बना रही थी ना, फिर इससे मैंने कहा मुझे भी देना, तो बस इसने फिर एक ही दफ़ा जान छुड़ाई, कहती भूल गई हूँ गलती से जो है वो चीनी डाल दी है। चलो खैर, तो आप लोगों ने पीनी है तो आप आके चाय पी सकते हैं, नहीं तो आप लोगों की तरफ से जो है वो मैं चाय पीऊँगी। तो बस देखते रहिएगा, साथ जुड़े रहिएगा गाइस। मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर हम अपने खाने की शाम के खाने की रूटीन आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर गोश्त, मिलकर बनाएंगे, साथ रहिएगा देखते रहिएगा। अच्छा जी, सपा जो है ना ये लेके आई है अहमद स्वीट से समोसे। और क्या है सपा, ये क्या है, समोसे लेके आई है गाइस। अलग अलग से क्यों लेके आई है मुझे नहीं पता, ये सब ने मेरे घर में अलग अलग मंगवाए हैं। मजेदार समोसे दिखाऊंगा आप लोगों को। आए होए होए, क्या ये बात है गाइस, ये देखें, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं समोसे बिल्कुल भी नहीं खाती। और आप यकीन करें, मैंने ना उस दिन ना मैं ज़्यादातर जो है ना फ्राई की तरह बिल्कुल नहीं खा रही, गाइस थोड़ा बहुत चख लेती हूँ। शोर आ रहा है बाहर गली से ना, बहुत ज़्यादा शोर होता है, सारा दिन शोर होता है। तो ना मैंने भी उस दिन ना अपनी बस चलो कोई नहीं, मैं नहीं बता रही आप लोग को ये बात, मुझे पता था खाना इन्होंने खा लिया तो अब इन्होंने खाने नहीं है, अब मुझे कहती है कि आप खा लो। मैं भी बल्कि इतना बड़ा नहीं खाती, थोड़ा सा चख लेती हूँ, मैंने खाने नहीं है वैसे। ये ना सपा की अम्मी जो है ना बहुत खाती है, सपा की अम्मी ने ना इतने मंगवा लिए और किसी ने भी नहीं खाया, बस एक एक खाया है। चाय मैंने अभी पी है, चाय मैं पी लेती हूँ, चाय कहती है थोड़ी सी पी लो, वैसे अच्छे बने हुए हैं। बस ले जाओ सबा गाइस, ये देखें आधे हमने खा लिए हैं, आधे से वो बच गए हैं, इनको मैं धोती हूँ। लेकिन इनके धोने से पहले जो है ना, मैं पहले मेरे जो है ना वो काफी सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं, तब मैं बर्तन धो लूं गाइस। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार बड़ा गोश्त और आलू मटर का सालन जो है तैयार हो चुका है। अच्छा
अच्छा जी, अब सबको भूख लगी हुई है और अब मैं जो है रोटियां बना लेती हूँ, वो मैं बनाऊंगी नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा खड़े होके बंदा थक जाता है। रोटियां मैं नीचे बनाऊंगी क्योंकि काफी देर से थोड़ा सा हम बाहर गए थे, वापिस आए तो बच्चे भूखे थे, सबको भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना सालन बना लूं और उसके बाद जो है रोटियां बनाती हूँ, तो क्योंकि सबको भूख लगी हुई है, आज मुझे भी लगी हुई है गाइस। तो ऊपर से मजेदार आलू मटर वाला सालन तैयार है, तो वो भी मिलके खाएंगे, तो साथ रहिएगा। अभी रोटियां बनाते हैं तो शुरू करते हैं। नीचे बैठ के जो है ना रोटियां बना रही हूँ आज, क्योंकि घर का काफी सारा काम था, कपड़े धोए थे, बर्तन धोए थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम। जब आप लोग को पता है कि जब मेहमान घर पे हो तो काफी सारा काम जब बढ़ जाता है, मैं तो उनके साथ बाजार जाती हूँ, वापसी पे आके फिर वो थकी होती है, कहती हम थक गए, लेट जाती है, मैं सारा घर का काम संभालती हूँ, क्या करूँ, मतलब सालन भी तो बनाना है, फिर मैं कहती रहती हूँ उठो तुम लोग भी करो, मिलके सारा करते हैं, तो फिर आप लोग को पता है जैसे वो एक बंदा करता है ना अपने घर में, तो वो तो मजा नहीं आता, फिर मुझे मजा ही नहीं आता कोई और काम करे ना, मैं जो अपना काम करती हूँ उससे जो है वो मुतमईन रहती हूँ। तो बस ये है कि सारा काम हो चुका है और मैंने कहा अभी काफी सारी रोटियां बनानी है, खड़े होके मैं थक जाऊंगी, जल्दी जल्दी से जो है ना बैठ जाती हूँ और जल्दी से रोटियां बना लेते हैं, मजेदार गर्मा गर्म रोटी। तो गाइस बस यही है, अब हम खाना खाएंगे, और बाकी ये है कि प्यारे व्यूअर्स, आप सबका चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जो चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक अच्छा सा जो है ना प्यारा सा कमेंट्स भी जरूर कर दिया करें, और किसी नए अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अभी इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज, और मैं रोटियां जल्दी से बना लूँ।